साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गलोत, नोबेल आयुर्वेद से बीकानेर राजस्थान। आज हम एक चर्चा कर रहे हैं मधुमेह के जो क्रॉनिक डिसऑर्डर के रोगी हैं उनके बारे में। तो ये सारा सब कुछ मैं ना बता के ये खुद ही बताएंगे। हमारे पास आए थे तो तब उनकी क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है औसत लेने के बाद में। हाँ बताइए सर। मैं लगभग आज से आया था 1.5 महीने पहले। तो 1.5 महीने पहले आया तो मम्मी की तो शुगर थी, वो सुबह की थी, खाने से पहले की 250-300 के आसपास, और खाने के बाद थी 400 के आसपास। और आज 1.5 महीने में मम्मी का जो लगता था इंसुलिन सुबह 38 और नाइट में 24 के आसपास ये था, देखिए क्या कह रहे हैं, इंसुलिन सुबह लगता था 38 और नाइट को 24। 24 लगता था। शुगर इनकी फास्टिंग कितनी रहती थी? पहले हाँ 250-300, 250 से 300 देती थी खाना खाने के बाद में, 400-475। 400-475। हाँ अब बताइए अब। अब मम्मी की शुगर है, फास्टिंग 3 बार जांच करवाई है, हाँ 122-120 ऐसा रही है, ओके। और वो आई जो 17 के आसपास। कल दोबारा चेक करवाया था तो 130 और 160 आई शुगर। मतलब इनका कहना है कि भाई फास्टिंग तो 130 ठीक है और मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि इंसुलिन बंद हुआ था मम्मी के, यहाँ से दवाई स्टार्ट की है मैंने तो लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर। ये कह रहे हैं कि मतलब हमने यहां से औसत स्टार्ट की, उसके विद इन 1 और 2 वीक के अंदर इंसुलिन बंद हो गया। बिल्कुल ही बिल्कुल, मैं नहीं बोल रहा, खुद बोल रहे हैं कि जो औसत लेने के दौरान, और अभी इनका मम्मी जी का फास्टिंग है वो 130 रहता है, खाना खाने के बाद 160। और बिल्कुल आयुर्वेद की 2-3 दवाई औसत चल रही है जो हम खुद बना के देते हैं, और कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। और कुछ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सेटिस्फाइड है, मतलब बहुत बिल्कुल ज्यादा। बहुत बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो बिल्कुल ये सब चीजें, और कुछ ऐसा रहता है कई बार कि कोई भी हमारे साथ पेशेंट हो रहते हैं तो वो कहते हैं कि हम मतलब कि थोड़ा फेस और हम थोड़ा साइडन रखते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो देखिए सब सब कुछ सही हो सकता है अगर हम ढंग से औसत दौड़ लें तो। इस प्रकार कोई भी किसी भी चिकित्सा आयुर्वेद से कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है 8233-6311 नोबल आयुर्वेद से, या फिर आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक है तो वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।